नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। नोएडा में थाना सेक्टर 24 पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाश ने लूट और स्नैचिंग की करीब 12 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया कि सेक्टर 24 नोएडा पुलिस सेक्टर 54 चौकी के सामने चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति ग्रे रंग की बाइक पर आता दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान दिल्ली निवासी मनीष के रूप में हुई है। वह सेक्टर 113 थाने का वांछित था। हाल ही में वह सेक्टर 113 थाने में मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था। पुलिस उसे काफी समय से तलाश कर रही थी। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरा भी सुनिए कि एडीसीपी मनीष मिश्रा ने क्या कुछ कहा। ये दिल्ली और आसी पास जितने हमारे एनसीआर के जनपद है, वहाँ इसने कई घटनाओं को लूट चोरी अन्य ऐसे संगीन धाराओं में जेल जा चुका था, और उसी के तहत ये अभी 113 में कुछ दिनों पहले मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये बदमाश फरार हुआ था। और हम लोगों की टीम तब से तलाश भी कर रही थी, और आज हमारी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। इसके पास से क्या कुछ बरामद हुए? इसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई, ये चला रहा था, ये दिल्ली से चोरी की है, और घटना में प्रयुक्त एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं, और इसके बारे में हम लोग इसको अस्पताल भिजवा दिया है इसके उपचार के लिए। इससे हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं, टीम लगा रखे हैं, और ये शातिर अपराधी है, पूरे गैंग के विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। तो सुना आपने कि मनीष मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। आपको बताते चले हैं कि डीसीपी मनीष मिश्रा ने यह भी कहा कि पकड़े गए बदमाश पर लूट और स्नैचिंग के 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश और उसके साथी की भी, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जल्द ही पूरा गिरोह पकड़ में आएगा। मनीष ने नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है।